फोर थ्री टू वन मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पीएमआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कह रहा है कि पीएमआई के थ्रू हमको इंप्रूव करना है साइन थीटा, साइन टू थीटा, साइन थ्री थीटा, इन सब टर्म को साइन एन थीटा तक अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट आता है वही आता है। तो देखिए, सबसे पहले आप पीएमआई के थ्रू प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे को सबसे पहले पी ऑफ वन लेना पड़ेगा। पी ऑफ वन अगर हम लेंगे उसके अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन वन प्लस वन अपॉन टू थीटा, फिर उसके बाद दिया जाएगा साइन वन थीटा अपॉन टू होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय टू। साइन थीटा बाय टू से साइन थीटा बाय टू की नमस्ते हो जाएगी स्टूडेंट्स, वन प्लस वन टू से टू की नमस्ते हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं ये बच रहा है हमारा ओनली साइन थीटा। अगर ये हमारा साइन थीटा बच रहा है जो कि हमारे सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, तो ये प्रूफ हो गया है कि जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी साइन थीटा है। सो देयरफॉर पी ऑफ वन इज ट्रू, पी ऑफ वन जो आ गया है वो हमारा ट्रू आ गया। अगर हमारा पी ऑफ वन ट्रू आ गया है तो हम मान लेते हैं कि हमारा पी ऑफ एम जो होगा ना वो भी क्या होगा, ट्रू। सो हमने क्या लिखा कि पी ऑफ एम इज ऑल्सो ट्रू, इज ऑल्सो ट्रू। अगर पी ऑफ एम ट्रू होगा इट मीन्स जो हमारे पास गिवन कंडीशन आ रही है वो आ रही है साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा अप टू साइन एम थीटा, जो होगा वो किसके इक्वल होगा हमारा, वो हमारा इक्वल होगा साइन एम प्लस वन डिवाइडेड बाई टू थीटा इंटू साइन एम थीटा बाई टू होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई टू। तो हम देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन आई हमारे पास जहां पे हमने m की वैल्यू ली, तो ये एक तरीके से हमारे लिए गिवन कंडीशन हो गई स्टूडेंट्स। अब हमारे को जो टू प्रूफ करना है, हमारे को जो टू प्रूफ करना है इसकी जस्ट जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा प्लस कहां तक, साइन एम थीटा के अगली अगली टर्म तक, यानी साइन एम प्लस वन थीटा तक जो आएगी। हर एम की जगह हमारे को एम प्लस वन पुट करना है, तो ये तो हो जाएगा हमारा एम प्लस वन थीटा इंटू साइन एम प्लस वन थीटा बाई टू होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई टू। तो हमारे को एक तरीके से स्टूडेंट्स ये चीज जो है ये टू प्रूफ करनी है, ये वाली सिचुएशन हमारे को टू प्रूफ करनी है। तो देखिए जो टू प्रूफ करेंगे हम कैसे करेंगे, हम जो टू प्रूफ करेंगे उसके अंदर जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है, दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये वाली वैल्यू दिख रही है आपको, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज कंडीशन गिवन जो कंडीशन है उससे हम एज इट इज उतार देंगे। अगर हम इस टू प्रूफ का एलएचएस लेंगे, एलएचएस में यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कंडीशन है उसको हमने ऐसे कैसे उतार लिया, तो ये बचेगा सारा हमारा एम प्लस वन थीटा बाय टू इंटू साइन एम थीटा बाय टू होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय टू। तो हमने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की कंडीशन को हमने एज इट इज उतार लिया, और फिर ये हमने एम प्लस वन थीटा जो था इसको भी हमने एज इट इज लिख लिया। अब हम इस वाले साइन थीटा को ब्रेक करेंगे, हम जानते हैं साइन टू थीटा की आपको सबको आए होगा आइडेंटिटी मालूम होगी, साइन टू थीटा जो होता है वो होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, हम देखेंगे इसका एंगल को अगर हम हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन एम प्लस वन थीटा तो ऐसे की ऐसे, साइन एम थीटा बाय टू भी ऐसे की ऐसे, अपॉन साइन थीटा बाय टू ऐसे की ऐसे। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा टू साइन एम प्लस वन बाय टू थीटा इंटू कॉस एम प्लस वन बाय टू थीटा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि हमारा जो एम प्लस वन थीटा बाई टू है दोनों के अंदर से कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या लिया, हमने साइन एम प्लस वन थीटा बाई टू को कॉमन ले लिया। तो हमारा इस स्टेप में जो बचेगा, ये बचेगा हमारा साइन एम थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू, और इस स्टेप में जो बचेगा वो बचेगा हमारा टू कॉस एम प्लस वन थीटा बाय टू। तो आपने देखा कि हमने ये कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे इस स्टेप के अंदर। अगर आप इस स्टेप के अंदर एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा साइन एम प्लस वन डिवाइडेड बाय टू थीटा जो कॉमन आया था वो तो ऐसे की ऐसे, और ये जो अपन एलसीएम लेंगे तो ये टर्म उधर चल जाएगी, तो ये आएगा हमारा साइन एम थीटा बाय टू, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी
तो ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन थीटा बाय 2, और ये हो जाएगा हमारा कॉस एम प्लस 1 थीटा बाय 2, और जो हमारा डिनोमिनेटर होगा साइन थीटा बाय 2 उसको हमने बाहर लिख लिया। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। आई होप आपको इस स्टेप से इस स्टेप तक समझ में आ गया हो। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 साइन ए कॉस बी के आइडेंटिटी लगाएंगे। आई होप आप सबको आइडेंटिटीज मालूम है। पहले जो मैंने यूज की थी वो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा यूज करी थी। अब मैं जो लगाने जा रहा हूँ वह है हमारी 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी जो आइडेंटिटी स्टूडेंट्स होती है वो होती है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी मैं वहां लगाने जा रहा हूँ। तो हमने देखा कि हमारा ये वाली वैल्यू तो ऐसे कैसे आ जाएगी, साइन एम प्लस वन थीटा बाई टू तो ऐसे कैसे, डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई टू भी ऐसे कैसे, इसमें जो आ जाएगा साइन एम थीटा बाई टू ऐसे कैसे। इसके अंदर अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा 2 साइन ए कॉस बी की तो देखिए कुछ बचेगा इस तरीके से, साइन एम प्लस वन अपॉन टू थीटा प्लस साइन माइनस ऑफ एम थीटा बाई टू। अब हम देखेंगे कि ये जो साइन वाला माइनस है ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन तो माइनस खाता नहीं है, सिर्फ कॉस खाता है। तो ये वाला माइनस अगर हम यहाँ पे लिख लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये साइन एम थीटा बाई टू से साइन एम थीटा बाई टू की नमस्ते। तो जो हमारा नेट रिजल्टेंट बचा वो बचा हमारा साइन एम प्लस वन थीटा इंटू साइन एम प्लस वन थीटा बाय टू एंड होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय टू, और हमारे को यही प्रूफ करना था। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से करना है आपको, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। तो प्लीज़ क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लीजिए और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ जुड़े रहते हैं। थैंक यू।